अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चने की बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बिरयानी बहुत मज़ेदार बनती है और इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। उबले हुए चने 2 कप, बासमती चावल 3 कप, 2 बड़ी साइज़ की प्याज, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक हसबे ज़ायका, हल्दी 1 टीस्पून, तेज़पत्ता 1 अदद, लौंग 6 अदद, कड़ी पत्ता 4 से 5, बड़ी इलायची 2 अदद, 1 टीस्पून काली मिर्च, बादियान का फूल 1 अदद, 3 से 4 हरी मिर्चें, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबल स्पून, बड़े साइज़ के 3 अदद टमाटर, पुदीना, धनिया, चिकन क्यूब 1 अदद, केवड़ा वाटर 1 टीस्पून, जर्दे का रंग 1 चुटकी, आलू बुखारा 4 से 5, जायफल और जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, नींबू के स्लाइसेस 6 से 8, 1 चुटकी टाटरी, तेल 1 कप, पानी 1/2 कप, दही 1/2 कप। सबसे पहले पतीली के अंदर ऑयल शामिल करेंगे और ऑयल को गर्म होने के बाद उसके अंदर प्याज डाल देंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो उसके अंदर से हम आधी प्याज निकाल लेंगे और उसके अंदर हम काले मिर्च, बड़ी इलायची, कड़ी पत्ता, तेज़पत्ता और लौंग शामिल करने के बाद उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके अंदर फिर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट जब भुन जाएगा तो उसके अंदर हम टमाटर शामिल कर देंगे, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और जायफल और जावित्री का पाउडर शामिल करने के बाद उसके अंदर हम दही डालेंगे, 1/2 कप पानी शामिल करेंगे, उसे बिल्कुल हल्की आंच पर टमाटर गलने तक पका लेंगे। जब टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएंगे उसके अंदर हम टाटरी शामिल करेंगे। टाटरी हम 1 चुटकी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे और तेल अलहदा होने तक उसको पका लेंगे। उसके बाद हम उसके अंदर चिकन क्यूब शामिल करेंगे। चनों को शामिल करने के बाद हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक हम सबसे आखिर में डालेंगे क्योंकि हमने चने के अंदर भी उबालते हुए नमक डाला था और हमारी चिकन क्यूब में भी नमक होता है। अगर आप नमक पहले डाल देंगे तो नमक ज़्यादा भी हो सकता है। छोले डालने के बाद हम कोरमे को ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि छोले पहले से हमारे गले हुए थे, अगर ज़्यादा पकाएंगे तो छोले टूट जाएंगे। केवड़ा एसेंस, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, आलू बुखारा और कटे हुए नींबू को शामिल करने के बाद उसे हम सिर्फ 2 मिनट तक पकाएंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। मेजरिंग कप के हिसाब से मैंने 3 कप चावल लिए थे। 2 जग पानी के अंदर 2 टेबल स्पून नमक शामिल किया था और 1 बादियान का फूल डाला था। अगर आप चाहें तो उसके अंदर केवड़ा एसेंस भी शामिल कर सकते हैं, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। चावलों को हम 2 कनी तक पकाएंगे। 2 कनी जब रह जाए तो हम चावल को छान लेंगे। मैं सालन की लेयर सबसे नीचे लगाती हूँ इस वजह से क्योंकि उसके अंदर ऑयल होता है और हमारे चावल नीचे से जलते नहीं हैं। उसके बाद हम इसी तरह से लेयर्स लगाएंगे और आखिरी लेयर के ऊपर धनिया, पुदीना, गरम मसाला, जायफल और जावित्री का पाउडर, केवड़ा एसेंस या केवड़ा वाटर, जर्दे का रंग और जो प्याज हमने बचा ली थी उसको छिड़क कर हम इसको 6 से 8 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर दम दे देंगे। अगर आप चाहें तो दम देते हुए आप पतीली के नीचे तवा भी रख सकते हैं, तवे की वजह से चावल लगते नहीं हैं। मेरे चावल बहुत खिले खिले और बहुत अच्छे बने थे। मज़ेदार सी चना बिरयानी तैयार है। आप इसे रायते और सलाद के साथ सर्व कीजिए।